मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूँ और मेरा अंतकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 1। क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संत पौलुस पहले पार्ट में अपने दिल की बात हमारे सामने रखते हैं। वह कहते हैं किस प्रकार उनको पाप घेर लेता है हर बार, किस प्रकार आत्मा उनसे प्रेरित करता है सच बोलने के लिए, सही करने के लिए, लेकिन जो पाप उनमें है, जो गलत विश्वास उनमें कभी कभी अंदर आया है, वो उन्हें बाधित करता है गलत रास्ता अपनाने के लिए। वे इसलिए कहते हैं उसी अध्याय में पद संख्या 2 में, मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। प्रिय भाई तथा बहनों, क्या हम ऐसा महसूस करते हैं कि मैं अक्सर अच्छाई करना चाहता हूं, सच्चाई के रास्ता अपनाना चाहता हूं, विश्वास में अपना जीवन जीना चाहता हूं, फिर भी मेरे पाप के कारण, मेरे गुनाहों के कारण ये बाधित करता है, आगे बढ़ने के लिए मुझे रोक देता है, तब मैं क्या करता हूं? सुसमाचार में ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह लोगों की सेवा करने के लिए, सबको मुक्ति देने के लिए, चंगाई प्रदान करने के लिए संसार में आए थे और वो अपना कार्य बखूबी अच्छे से निभा रहे थे। लेकिन जो पाप में थे लोग, जो दूसरों की अच्छाई को नहीं देखना चाहते थे, ये प्रभु को रोकना चाहते हैं। आज का दिन देखिएगा, विश्राम का दिन, प्रभु को किसी फैरिसी ने भोजन के लिए बुलाया और फैरिसी देख रहा था प्रभु के सभी हलचल को, प्रभु के सभी कार्यों को, वे क्या करेंगे। और एक पीड़ित इंसान को जब प्रभु चंगाई प्रदान करते हैं, फैरिसी गुस्सा करता है, वायरस गुस्सा करता है और कहता है आज के दिन आपको ये नहीं करना था। और बहुत अच्छा सा उदाहरण, साधारण उदाहरण प्रभु उनके सामने रखते हैं। मान लो आपका बैल और आपका बेटा, आपका पुत्र कुएं में गिर जाए, क्या विश्राम के दिन आप वहीं उसको छोड़ेंगे, तुरंत निकालेंगे नहीं? प्रिय भाइयों और बहनों, अक्सर हम भी अपने जीवन में दूसरों के हित नहीं चाहते हैं, दूसरों की उन्नति नहीं देखना चाहते हैं, दूसरों के जीवन में अच्छाई नहीं देखना चाहते हैं। हम भी फारिजी बन जाते हैं, हम भी उनको रोक देते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं करते हैं, उनमें वो जो उत्साह है उसको बरकरार हम नहीं रखते हैं। प्रिय विश्वासियों, उस आत्मा से प्रेरित हो जाएं जिससे संत पौलुस प्रेरित हुए थे, अपने जीवन को बदल दिया था। हमें प्रार्थना करना है उसी आत्मा के लिए, शैतान की आत्मा नहीं, प्रभु की आत्मा। अच्छाई करने के लिए मौका बहुत मिलते हैं प्रिय भाई तथा बहनों, रास्ता हमें अपनाना है, आत्मा को हमें स्पर्श करना है। यदि आत्मा मुझ में है, संत पौलुस कहते हैं आत्मा मुझ में है, मैं कुछ भी करने के लिए समर्थ हूँ।